तो 19 की एक और प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम वाज दिस, और ये जो प्रॉब्लम है ये सो सो प्रॉब्लम है। सो सो एक्स क्यूब पहले एक मिनट देख लें, बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मतलब ये ना तो इस टाइप की है ना उस टाइप की है ये। ठीक है, बीच की नहीं बोलेंगे, बीच का नहीं बोलना चाहिए, नॉट प्रॉपर वर्ड। ये सो सो टाइप मीडियोकर प्रॉब्लम है। ठीक है, मीडियोकर प्रॉब्लम है तो जे मेंस के हिसाब से ठीक है ये, तो आराम से अगर सॉल्व कर ले रहे हो, ठीक है, 4 मिनट में भी सॉल्व कर ले रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, राइट, बिकॉज इसमें लेंथी कर सकते हो। अगर तुम्हारा मेथड प्रॉपर नहीं हुआ तो तुम लेंथी कर सकते हो इसको, इसलिए अगर 4-5 मिनट्स में भी कर ले रहे हो तो अच्छी बात है। स्पीड इंप्रूव करने की जरूरत है, थोड़ा सा फास्ट सोचने की जरूरत है। ओके, तो कर लो ट्राई, उसके बाद देखो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इजी वे क्या होना चाहिए था यहाँ पे, उसके बाद देखो पहले सॉल्व कर लो अपने आप। ठीक है, हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन अगर अगर तुमने कर लिए तो हो तो जाएगा, बट लेंदी हो जाएगा। ठीक है, ये हम बताना चाह रहे थे, ये नहीं करना है कि पार्शियल फ्रैक्शन अगर तुमने अप्लाई किए हैं तो नहीं करने थे। ठीक है, राइट, तो तुमने अगर सॉल्व कर लिया है पार्शियल फ्रैक्शन से तो वो नहीं करना था। ओके, हो जाएगा बट लेंदी हो जाएगा। करना क्या चाहिए था पहले, पहले क्या करना चाहिए था, पहले करना ये चाहिए था कि ये क्या था, एक्स अगर हम कॉमन लेते इसमें तो ये क्या आता है, एक्स क्यूब प्लस वन आता, और एक्स क्यूब दिख रहा है। तुम्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए था, इस फॉर्म में लिख देना चाहिए था, इस फॉर्म में। ठीक है, तो जब इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या और लिखोगे, 2x³ + 1 + 2 किया तो माइनस करोगे। ठीक है, -3, और दोनों को सेपरेट कर दोगे, ब्रेक कर दोगे। ठीक है, अब ये तो बताने की जरूरत है नहीं, ये तो सॉल्व हो ही गया, कैंसिल आउट हो गया, 2x सॉल्व हो गया, है ना। अब ये जो बचा, ठीक है, दूसरा वाला इंटीग्रेशन कैसा, क्या बचा, 3 अपॉन दिस, 3 अपॉन दिस, अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, ये बताना चाह रहे थे, यहां पे हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, ये ध्यान से देखो इसको, देखो देख के फील करो, देख के फील करना होता है जे मेन प्रॉब्लम्स में, क्या करना होता है, देख के फील करना होता है। ठीक है, तो बस ये x^n वाला टाइप है, तो x^n को कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया था, 2 log x हो गया था, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दे रहे हैं, -3 कॉमन लेना था x^n को, क्या हो जाएगा, x^4, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 + 1/x³, राइट, तो इसको t पुट करोगे, ये dt हो जाएगा, ये करना था, तो इसका आंसर भी लॉग में आ जाएगा, इसको t पुट करोगे। ठीक है, और ये हमें dt दे देगा। ठीक है, बस खत्म, -3/x^4 dx = dt। ओ ठीक है, सॉल्व हो गया। अब एक और जो 19 का प्रॉब्लम है, इसको जल्दी से रब कर दें, अभी रुक गया था इस टाइप का प्रॉब्लम। ठीक है, वो था ये x^5 e^-x², तो x² या -x² को टी पुट कर लोगे और इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो 19 तक का हो गया, 20 और 19 हो गया। ओके, तो 3 लेक्चर्स में हो पाएगा क्या, या हम लोग भी कहीं वो ना बन जाए, नो सहस बहु टाइप से एपिसोड आते जा रहे हैं। ओके ओके, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 18 से पहले तो पेपर ज्यादा नहीं होते थे ना, 18 से पहले तो दो दो ही होते थे। ठीक है, 12 तक, और 12 से पहले तो एक ही था, ए आई चुकली। ओके, तो 12 से तो दो ही दो पेपर्स हैं, 18 से पेपर्स बढ़े हैं। ठीक है, तो 18 के बाद तो
इजी हो जाएगा 18 के बाद, तो बस दो दो क्वेश्चन ही होंगे ना, ठीक है। तो 19 हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में 18 और साथ में करते हैं, 12 तक कर लेते हैं कम से कम, ठीक है। ओके फाइन।